राम 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 राम। कहाँ भागे जा रहे हो बताओ? किधर जा रहे हो? बाजार। बाजार में? हाँ जी। अच्छा, अभी चुनावी माहौल है। हाँ, तो किसका माहौल है इधर? मुकेश जी गोयल का। कैसे? काम करते हैं। काम करते हैं? हाँ। और कोई से नेता काम ना करें? क्या करते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं वो 58 महीने उठे हैं। हाँ। और कांग्रेस के नेता ने, आप देख ही रहे हो, भानगढ़ अजबगढ़ क्या कर दिया। भानगढ़ अजबगढ़ देख लो तो आप, आपको भी नहीं दिख रहा है क्या? तुड़वा दिए। हाँ, तुड़वा दिए, व्यापारी चौपट कर दिया, 1.5 साल हो गई। अच्छा, ये नाराजगी आपकी? हाँ, नाराजगी क्या, कोई भी काम नहीं होता, पानी की लाइन तक नहीं डलती, जो केंद्र से पैसा आया है वो भी नहीं डली मेरी गली में। अच्छा। हाँ, जिसके लिए भी मंत्री को ज्ञापन दे दिया, कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया, कुछ होता ही नहीं। चुनाव लड़ेगा मुकेश? बिल्कुल लड़ेंगे। टिकट कट गई ना, तो चुनाव लड़ेगा क्या? टिकट कट गई तो वो बीजेपी की बेवकूफ़ी है। क्या माहौल है इधर? इधर सारी तरफ, चारों तरफ मुकेश गोयल का माहौल है। वो कहीं तरह, वो 5 साल है ना, पूरी मेहनत की है, कोरोना में मेहनत की है। नमस्कार, मैं विवेक मेहरा और आप देख रहे हैं विवेक मीडिया। मैं इस वक्त हूँ कोटपुतली विधानसभा में। तो यहाँ कुछ लोग हैं, ये पानी पतासा की एक थैली है, यहाँ बात करते हैं लोगों से। क्या माहौल है चुनावों का? ये गोलगप्पे लिए हैं क्या? हाँ, गोलगप्पे लिए। तो क्या माहौल चल रहा है इधर? यहाँ बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का है? कैसे? देख लो क्या है, कितने बड़े रास्ते हैं कांग्रेस कार्यकाल में, पूरा मार्केट उजड़ा पड़ा हुआ है। और यहाँ मोदी के नाम पे सब लोग बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। वर्तमान विधायक साहब, मंत्री साहब काम नहीं करवाए? काम नहीं करवाए, 3-3 कमरों में स्कूल चली, 12वीं क्लास तक हो सकता है क्या? यहीं से 1 किलोमीटर दूर अमाई गांव है, जिसमें 12वीं तक इस विद्यालय है, 4 कमरे हैं। आप अनुमान लगा सकते हो 4 कमरों में 12वीं तक क्लास कैसे चलेंगे? 1 कमरे में 4 क्लास 5 क्लास चलती हैं, क्या पढ़ाई होगी वहाँ पर? अभी कोई भरोसा नहीं है, जैसे निर्दलीय है ना, कौन बैठ जाए कौन खड़ा हो जाए। अच्छा। या टिकट भी चेंज हो जाए। टिकट भी चेंज हो जाए? हाँ। अच्छा, आपको लगता है टिकट भी चेंज हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अच्छा, अपने यहाँ विधायक हैं, मंत्री साहब हैं, और विकास कार्य करवाई हैं? दावा तो करते हैं विकास कार्य, मैंने बहुत करवाई हैं। दावा ही करता है, करते नहीं है, काम नहीं करते। काम नहीं हुआ? काम तो ये हुआ है जो आप देख रहे हो, ये तो बिल्डिंगें तोड़ रखी हैं। हाँ, विनाश कर दिया इसका, विकास की जगह। अतिक्रमण में आती होंगी ना ये जो बिल्डिंग है, ये राजा की बनवाई हुई बिल्डिंग है। अच्छा। ये अतिक्रमण होता है क्या राजा की बिल्डिंग? तो अतिक्रमण में नहीं थी ये? बिल्कुल कतई नहीं थी। जिसका पट्टा हम कुछ 1 हफ्ते पहले दे दिया, उस बिल्डिंग को तोड़ दिया। अगर बिल्डिंग अतिक्रमण में थी तो फिर पट्टा क्यों दिया? पट्टा किस लिए दिया था? तोड़ने के लिए या पैसा हड़पने के लिए? जनता को गुमराह करके पैसा भी इकट्ठा कर लिया और ये बिल्डिंगें भी तोड़ दी। तो मंत्री साहब को क्या फायदा बिल्डिंग तोड़ के? उनको वैमनस्यता थी, ये जो इलाका था ये बीजेपी के वोटरों का था। अच्छा। हाँ, नहीं ये अगर रास्ता तोड़ा होता है तो सबके काम आएगा ये? तो काम आएगा, जो थे वो तो बर्बाद हो गए, 5,000 लोग बर्बाद हुए हैं, 5,000 लोगों की रोजी रोटी खुस गई है। अच्छा। ये बेचारा था, इसकी दुकान थी, इसका तहस नहस कर दिया गया, सड़क पर आ गया, कौन देगा रोटी उसको? उसने तो अपने यहाँ पर स्कूल चला ली, 5-5 फैक्ट्रियां चला ली, वहाँ जमीन ले ली पणियाड़ा में, और वहाँ पर उसके 1,00,000 रुपये गज में बिके जमीन, यहाँ के उजड़े हुए जमीन वहाँ कर जाकर ले, उसका पेट भरे बस, और ये भूखे मर होते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या माहौल है इधर? सर, माहौल तो मुकेश जी गोयल का चल रहा है, जैसे कि उनको, आपको पता है कि उनकी टिकट काटी गई थी, वो बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता थे, 10 साल से अच्छा काम कर रहे थे, हर किसी के प्रति उनकी श्रद्धा थी, जो कि कोटपुतली में ना कि मंत्री साहब ने किया, उनसे भी अच्छा कार्यकाल चल रहा था उनका, हर किसी के जाना जन जन। इतने अच्छे टिकट क्यों काट दी? टिकट तो भाई देखो, बात ऐसी है, जो जिसके लायजन होते हैं उसको टिकट दी गई थी, वो भी पैसों में, 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं, पैसों में टिकट दी गई है उनको। नहीं, ऐसे तो कोई भी आरोप लगा सकता है, अपने ये मंत्री साहब हैं, वो दावा करते हैं विकास कार्य हमने बहुत करवाए, तो उनके विकास कार्य अच्छे नहीं लगे आपको? मंत्री के विकास कार्य क्या अच्छे लगे हैं, देख लो आपके सामने रोड है, बाजार तहस नहस हुआ पड़ा है पूरा, विकास कार्य नहीं करवाए? कुछ भी नहीं कराया, आप खुद भी देख सकते हैं, कहीं पर भी जाके देख सकते हैं, कोटपुतली में इतनी धूल मट्टी उड़ रही है जितनी कि आज तक पहले कभी उड़ी भी नहीं है। अच्छा, मुकेश जी में ऐसा क्या है वो करवा देंगे? मुकेश जी बहुत अच्छे आदमी हैं, जनसेवक भी हैं, उन्होंने रक्तमणि भी चला रखा है, और कई ऐसी चीज़ें जो उन्होंने चला रखी हैं। और आप बात कर रहे हो भाजपा की, भाजपा में जो आदमी पहले भी कांग्रेस की टिकट लाके चुनाव लड़ा है उसको भाजपा की टिकट दी गई है, जो कि हंसराज पटेल जी हैं हमारे, उनको टिकट भी दी गई है,
और जिसने भाजपा के झंडे जलाए हैं, शीर्ष नेतृत्व को गाली भी दी है, उसको भाजपा की टिकट किसके अनुसार दी है वो समझ में ना आना। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम पवन सैनी है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या माहौल है इधर कोटपुतले में? माहौल तो मुकेश जी गोयल का बन रहा है अभी तो फिलहाल, क्योंकि उन्होंने कार्य किया है बहुत ज़्यादा। क्या कार्य किया है? उन्होंने रक्तमणि चलाई तो जरूरतमंद लोगों को ब्लड पहुंचाया दूर दूर तक, चाहे कहीं भी फ़ोन किया हो, खुद स्वयं ने भी दिया, कार्यकर्ताओं से भी दिलाया, चाहे कैसे भी, मतलब हर तरीके से मदद की उनकी। नहीं, अभी वर्तमान जो अपने इधर विधायक हैं, मंत्री महोदय हैं, वो अपना दावा कर रहे हैं मेरा जितना विकास कार्य किसी ने करवाया, तो विकास कार्य वोट नहीं दोगे आप? नहीं, मंत्री महोदय ने विकास कार्य कहाँ करवाया, लोगों का रोजगार छिनवा दिया, लोगों की दुकानें तोड़वा दी, रोड का तो काम नहीं हुआ कम्प्लीटली। तो फिर अगर इतना ही अच्छा है आपका कैंडिडेट, तो टिकट क्यों नहीं मिली आपके कैंडिडेट को? तो टिकट तो सर, अब वो तो टिकट तो कभी किसी को भी मिल सकती है, अब ऊपर से दबाव होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, टिकट काट दी। हो सकता है पटेल भी अपनी जगह पर अच्छे होंगे तो टिकट मिली होगी, उनका तो क्या बोल सकते हैं सर। हाँ जी श्रीमान जी, क्या नाम है? घनश्याम गुप्ता। क्या माहौल है इधर? इधर सारी तरफ चारों तरफ मुकेश गोयल का माहौल है। वो कहीं तरह वो 5 साल है ना पूरी मेहनत किए कोरोना में, मेहनत किए, खाने पे हाजिर बैठे गाँव में, खाना लेकर गए थे, खुद कोरोना हो गया 15 दिन तक तो है ना। वो दुर्लभ जी हॉस्पिटल में भर्ती लेकर आया और कोरोना में घर पे नहीं बैठे, सबकी सेवा की उसने। कांग्रेस सरकार ने विकास कार्य नहीं करवाया? हाँ बिल्कुल है ना, मेरी तो यहाँ पर खुद की दुकान थी, पूरी दुकान चले गई, शटर भी ले गए, किवाड़ भी ले गए। कौन ले गया? ये नगर पालिका ने मंत्री के कहने से हुआ है सारा काम। अच्छा, नहीं गहलोत सरकार ने विकास कार्य तो बहुत करवाए, योजना बहुत चला रखी है। तो कुछ भी नहीं हुआ, योजना ही तो चला रखी है, योजना उसका लाभ नहीं मिला पब्लिक को। तो आप योजनाओं से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। दावा करते हैं मंत्री साहब काम का, कुछ भी काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ और मुकेश जी करवा देंगे काम? मुकेश जी तो बहुत बढ़िया है, सबके दुख सुख में आने वाले आदमी है, मुकेश जी बहुत बढ़िया आदमी है। क्या करते हो आप? मैं, मेरी किताब बुक सेलर की दुकान है। अपने विधानसभा चुनाव नजदीक है कोटपुतले में जी, तो क्या माहौल चल रहा है इधर? माहौल साहब देखो, कौन जीतता है कौन हारता है तो जनता ही बताएगी। हाँ ठीक है, इसका फैसला जनता ही करेगी, न हम कर सकते न आप कर सकते, जनता में आते हम सब बस। तो फिर तो जनता ही फैसला करेगी किसको क्या वोट देना है। अच्छा, मंत्री साहब ने विकास कार्य करवाए हैं, उसके क्या कहना है आपका? मंत्री साहब ने विकास करवाया, खेल कागजी कार्रवाई, कागजों में विकास खूब हुआ है, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। दावा तो करते हैं मेरा जितने विकास कार्य, किसी दावा तो कोई भी कर सकता है, दावा करने को क्या है। योजनाएं तो कांग्रेस सरकार ने बहुत चला रखी हैं। हाँ, चला रखी होंगी योजनाएं आप। अब योजना तो खाली योजना ही है, अब उनका क्या करें, जब तक पूरी नहीं उतरेंगे, खरी नहीं उतरेंगे, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। योजनाओं से लाभ नहीं मिल रहा किसको? किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं। 1 महीना देकर फ्री। अच्छा, अब लोग बाग उसमें बाहर गाल रहे हैं, मसाले सही नहीं मिल रहे, अब क्या करें, खाली कागजी कार्रवाई है। तो आपकी बार यहाँ से कौन मजबूत रहेगा? अब मजबूत तो जनता करेगी, अब जनता क्या पता किसको करे, अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रोड की दोनों साइड में कुछ घर बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं और आप विचार कर सकते हैं, अतिक्रमण की वजह से हटाया गया है या फिर